हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डिसीजन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माई स्टार इलेवन ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको माई स्टार इलेवन के रेफरल कोड भी मिल जाएंगे। अगर आप रेफरल कोड के साथ इस ऐप में साइनअप करोगे तो आपको 100 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। ये 100 रुपये का कैश बोनस आपको तभी मिलेगा जब आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों चीज़ें आप वेरीफाई करा लोगे तो आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। और आप अपना पैन कार्ड भी वेरीफाई करा लोगे तो आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। और जो आपका पैन कार्ड है वो 2 दिनों के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। बात करते हैं इस ऐप में ऑफर्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इस ऐप में 251 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 51 रुपये का कैश बोनस मिलने वाला। अगर आप इस पर 351 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 101 रुपये का कैश बोनस मिलने वाला। अगर आप इस ऐप में 551 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 151 का कैश बोनस मिलने वाला है। और अगर आप इसमें 1051 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 251 रुपये का कैश बोनस मिलने वाला है। ये कुछ ऑफर्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं। अगर आप इस ऐप में डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप ऑफर्स के हिसाब से इस ऐप में डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे आपको जो है कैश बोनस का भी फ़ायदा मिल सकता है। हम बात करने वाले हैं जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा CPL का, नाइट राइडर और जमैका के बीच में। माई स्टार इलेवन की टीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन के दोनों एकदम सेफ ऑप्शन है, दिनेश रामदीन और यहाँ पे जोसन चार्ल्स। लेकिन मैं अपनी टीम में जोसन चार्ल्स को पिक किया क्योंकि ये ओपनिंग बैटिंग करने आएंगे। बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया, ड्रेन ब्रावो, ब्रेंडन मैकुलम, क्रिस लिन और रॉस टेलर। इन 4 बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। आंद्रे मैकेटी का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, डेविड मिलर अवेलेबल नहीं है तो आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। और लेविस को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। बात करते हैं वही बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे 3 बॉलर को पिक किया, फवाद अहमद को, सेरलेस को और मैंने यहाँ पे 3rd बॉलर को पिक किया सैमुअल बद्री को। ऑप्शन की बात करूँ तो आपके पास यहाँ से ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आपको इन दोनों को पिक नहीं करना है। यहाँ से आपको निकिता को पिक नहीं करना है। सेनोन गैब्रियल आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ से आपको बेटोन को पिक नहीं करना है, किटन को पिक नहीं करना है। यहाँ पे केमार रोच का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। यहाँ पे क्रिसमर इसमें खेल सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। इलमोर को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। ओशन थेम्स के खेलने के चांसेस है लेकिन बहुत ही कम है। यहाँ पे आप अपनी टीम में इस 7 जेकोब्स को पिक कर सकते हो, 80% ये आपको इस मैच में खेलता हुआ नजर आ जाएगा। एडम जेम्पा भी आपके लिए ऑप्शन है लेकिन बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर को पिक किए, सुनील नारायण, ड्रेन ब्रावो और मैंने अपनी टीम में पिक किया है आंद्रे रसल को। बात करते हैं ऑप्शन की, तो आपके पास कोलिन मुनरो का एकदम सिर्फ ऑप्शन, लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी। तो अगर आप 1 से 10 टीमें बनाते हो माई स्टार इलेवन की ऐप में तो आप कोलिन मुनरो को अपनी टीम में जरूर से पिक करना है और कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें जरूर बनाना। सदाब खान अवेलेबल नहीं है तो आपको सदाब खान को पिक नहीं करना है। इमाद वसीम एकदम सेफ ऑप्शन है, रोमेन पोवेल आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अफरीदी को पिक नहीं करना है। और यहाँ पे आपके लिए टेलर का एकदम सेफ ऑप्शन है और यहाँ पे अली खान का भी आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है। बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चोज की, तो मैंने अपने टीम में कैप्टन रखा है सुनील नारायण को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है आंद्रे रसल को। तो ये मैंने अपनी टीम में रखे कैप्टन वाइस कैप्टन, आपको यहाँ पे करना टीम को सेव। और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरा माई स्टार इलेवन का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला। इसी टीम के साथ मैं माई स्टार इलेवन में हर लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आप 1 से 10 टीमें बनाते हो तो आप इस टीम में भी 1-2 चेंज कर लेना और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से इस टीम में चेंज करके खुद से भी आप एक बेटर टीम बना के माई स्टार इलेवन में अच्छा विन कर सकते हो। हम बात करते हैं आगे लीग्स के बारे में, आप यहाँ पे लीग्स देख सकते हो। आप जो भी लीग्स अपनी इच्छा से जो है ज्वाइन करना चाहते हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हम ये लीग ज्वाइन करने वाले हैं 49 रुपये इंटरफियरली। आप मैं यहाँ पे आपको कन्फर्म करके दिखा देता हूँ आप इसमें जो है लीग ज्वाइन कैसे कर सकते हो। आपको यहाँ पे टीम पे क्लिक करके ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो टीम है वो लीग में ज्वाइन हो जाएगी। इस प्रकार से आप माई स्टार इलेवन में टीम बना सकते हो और लीग को ज्वाइन करके अच्छा विन कर सकते हो, क्योंकि अभी इस ऐप में कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है और जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होता है वहाँ पर हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे कहने से आप इस ऐप में एक बार आप 100 या 200 रुपये डिपॉजिट करो और आप इस ऐप में कुछ मैचेस खेलो। मुझे उम्मीद आप कम डिपॉजिट के साथ अच्छा अमाउंट विन करोगे और आप बड़ा अमाउंट विड्रॉ करोगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगी इस ऐप के बारे में तो भाई आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो और आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो टीम को लेकर या प्लेइंग 11 को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।